अभी आप जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं उसे देखकर क्या आप थोड़ा हैरान नहीं हैं? जाहिर है आप हैरान हैं। देखकर आप हैरान हो सकते हैं कि ये जेंट ऑटर मगरमच्छ के सामने बड़े मजे से आराम कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक मगरमच्छ हूँ और तुम्हें खा सकता हूँ? आओ और खा कर दिखाओ मैं भी जेंट ऑटर हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। लेकिन एक बात हम सभी जानते हैं कि एक मगरमच्छ से जंगल के किसी भी जानवर को डर लगता है, क्योंकि मगरमच्छ बहुत ही शक्तिशाली और हिंसक होता है। और अगर हम इसे इस तरह से देखें तो एक जेंट ऑटर को मारने के लिए मगरमच्छ का एक दंश ही काफी है। इसके बावजूद भी जेंट ऑटर निर्भय होकर मगरमच्छ के सामने आराम कर रहा है और जमाई ले रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि मगरमच्छ उस पर हमला भी नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्यों ऑटर अपने आसपास इतने सारे मगरमच्छों से नहीं डर रहा है, या फिर मगरमच्छ जैसा हिंसक प्राणी उन्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? इसके पीछे का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो फुटेज देखना होगा। यहां आप देखेंगे जेंट ऑटर का एक झुंड एक मगरमच्छ पर आक्रमण कर रहा है। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। और बार बार होने वाले हमलों से मगरमच्छ भी तबाह हो रहा है, और इसलिए मगरमच्छ जेंट ऑटर पर हमला नहीं कर रहा। वास्तव में वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि अगर वे पूरी होड़ में जेंट ऑटर पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो बदले में उन पर जेंट ऑटर के झुंड द्वारा हमला किया जाएगा। हम आपको एक और तथ्य ये भी बताना चाहेंगे कि केवल मगरमच्छ ही नहीं, जंगल के अन्य हिंसक जीव भी जेंट ऑटर से लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि आप जेंट ऑटर्स के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जानें। जेंट ऑटर दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। इन्हें जेंट रिवर ऑटर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महान शिकारी जानवर है। इनका आकार 1.7 मीटर है और वजन है 26 से 32 किलो। इनके फर की लंबाई 4 मिलीमीटर होती है, लेकिन उनका फर आकार में बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन उनके फर की बड़ी मोटाई होती है। उनके फर का रंग चॉकलेट ब्राउन है, लेकिन जैसे ही उनका शरीर किसी जल निकाय को छूता है उनके फर का रंग काला लगता है। हम उनकी ठुड्डी और गर्दन पर सफेद फर देख सकते हैं। वास्तव में सफेद फर की ये रेखा से ही एक जेंट ऑटर दूसरे जेंट ऑटर को पहचान सकता है। जब एक जेंट ऑटर दूसरे जेंट ऑटर के समक्ष आता है, वे अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाते हैं ताकि वे एक दूसरे को पहचान सके। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक शब्दों में पेरिस्कोपिक कहते हैं। जेंट ऑटर सामाजिक प्राणी होते हैं और उनके परिवार में 20 मेंबर होते हैं। हमने आपको कुछ समय पहले बताया था जेंट ऑटर्स एक शिकारी प्राणी है। दरअसल जेंट ऑटर्स बहुत तीव्र झटपट होते हैं। उनका नाखून और दांत बड़ा तेज होता है और यही कारण है कि वे किसी भी हिंसक जानवर पर आक्रमण कर सकते हैं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर जेंट ऑटर्स का झुंड किसी जानवर पर हमला कर दे तो क्या हो सकता है। और ये भी एक बड़ा कारण है, कोई जानवर उन पर झपटता नहीं है। एक जेंट ऑटर का ग्रुप काफी बड़ा हो सकता है और ये किसी भी प्राणी पर हमला कर सकते हैं। मछलियां, सांप, एनाकोंडा, इनमें से कोई भी इनके हमले से बच नहीं पाता। जब एक जेंट ऑटर किसी प्राणी पर हमला कर रहा होता है, वो सबसे पहले इस प्राणी के सर पर हमला करता है और इसलिए उस प्राणी का जीवित रहना असंभव हो जाता है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि जैसे ही बंदर पानी पर गिरा, जेंट ऑटर का एक झुंड बंदर पर हमला कर देता है। दूसरा बंदर जेंट ऑटर के उस बंदर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। दरअसल जेंट ऑटर्स इतने लचीले और तेज होते हैं कि उनके हमले से कोई भी आसानी से नहीं बचता। 2015 में ब्रिस्टल चिड़िया घर में लिए गए इस वीडियो फुटेज में आप एक ऑटर को बंदर पर हमला करते हुए देख सकते हैं। इस वीडियो फुटेज के देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जेंट ऑटर एक छोटे और मासूम जीव पर ही सिर्फ हमला करता है। क्या मैं सही हूँ? लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? लेकिन अब आप एक जगुआर के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं जेंट ऑटर जगुआर के पीछे पड़ा है और इस स्थिति में जगुआर को लगता है कि भाग जाना सबसे सुरक्षित विकल्प है। दरअसल जगुआर नदी का पानी पीने के लिए नीचे आ रहा था, लेकिन शायद एक झुंड जेंट ऑटर को देखकर डर गया होगा। इस स्थिति में हमें क्या प्रमाण मिलता है? ये मिलता है कि जेंट ऑटर्स बेवजह किसी भी प्राणी पर हमला कर बैठते हैं। दरअसल जेंट ऑटर झुंड में रहते हैं या झुंड में हमला करते हैं, ऐसा नहीं है। हमला करने का काम ये अपने बीच छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे कि ग्रुप में महिला ऑटर प्रधान भूमिका निभाती है। महिला ऑटर ही शिकार निर्धारित करती है, यहाँ तक कि वो ये भी तय करती है कि हमला कैसे करना है।
उसके बाद पुरुष ऑटर निर्देश अनुसार अपने लक्ष्य को शिकार करता है। यदि कोई प्राणी गलती से ऑटर्स के क्षेत्र में प्रवेश करता है तभी ऑटर्स उन पर हमला करते हैं, और जब कोई अन्य अनजान प्राणी उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अपने झुंड के बाकी सदस्यों को एक खास कौशल से सचेत करते हैं। इस वीडियो फुटेज से पता चलता है कि एक मगरमच्छ गलती से ऑटर्स के क्षेत्र में घुस गया जिसके कारण उसकी जान चली गई, और फिर ये देखा गया कि दूसरे जानवरों ने एक ऑटर को मार दिया है। और तभी हो सकता है कि जब एक ऑटर पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। किसी भी हिंसक प्राणी के लिए ऑटर्स के समूह को हराना बहुत कठिन होता है। इतनी देर तक आपने केवल ऑटर्स के अन्य प्राणियों के साथ शत्रुता की बात सुनी, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर कोई इंसान किसी ऑटर्स के क्षेत्र में घुस भी जाए तो ऑटर इंसान पर भी हमला कर सकता है। आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कैसे एक ऑटर ने इस आदमी को डरा दिया क्योंकि वाटर के क्षेत्र पर गलती से आ गया था। ये घटना एक बार नहीं कई बार हुई है। दक्षिणी अमेरिका में एक परिवार के साथ ऐसी घटना घटी थी जहां एक ऑटर ने उस परिवार के एक पालतू कुत्ते पर हमला करने की कोशिश की। जब उस परिवार के एक महिला सदस्य ने अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश की तो ऑटर ने उस महिला पर भी हमला कर दिया। इस वीडियो के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो गया है कि जेंट ऑटर पृथ्वी के किसी भी प्राणी से नहीं डरता। एनाकोंडा, जगुआर, मगरमच्छ से शुरू करके वो एक इंसान पर भी हमला कर सकता है, और इतना ही नहीं उन्हें मारने की क्षमता रखता है। इसलिए यदि आपको कभी लगे कि आप गलती से किसी विशालकाय ऑटर के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं तो कृपया जितनी जल्दी हो सके भाग जाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।